हेलो, देखिए पिछला जो था ना, प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको करवा दिया था वायर के लिए। नेक्स्ट जो इसके अंदर देखते हैं अपन लोग किसके लिए, इसके अंदर अपन लोग देखते हैं कंडक्टिंग शीट के लिए। देख लो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी 4 नंबर का आएगा ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, ठीक है। अच्छा, अगर कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले तो क्या निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन। तो मान लो ये कोई कंडक्टिंग शीट है, ये कोई कंडक्टिंग शीट है। इस कंडक्टिंग शीट को अगर कोई चार्ज दोगे तो कोई कंडक्टर को जो अगर आप चार्ज देते हो ना, तो वो उसकी सरफेस पे आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। कोई कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो ना, तो वो सारा चार्ज है वो उसकी क्या कहाँ पर आ सकता आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। भाई क्यों ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न ये है कि मान लो ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको आपने 2 कूलम्ब चार्ज दे दिया, क्या ये 2++ एक दूसरे को दूर नहीं भगाएंगे, बिल्कुल भगाएंगे। अच्छा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मैक्सिमम ये कहाँ रुक सकता है, यहाँ जाके, और ये कहाँ जाके। तो इसीलिए जो सारा चार्ज है वो यहाँ आ जाता है ना। नॉन कंडक्टर जो होता है ना, लकड़ी वगैरह, लकड़ी का कोई स्फीयर बना लिया, चारकोल का कोई स्फीयर बना लिया, तो उसको जो चार्ज देते हो वहीं रुक जाता है, क्योंकि जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं ना, उनमें चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकता। और अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह उनमें ट्रैवल नहीं कर सकता, तो फिर चार्ज जहाँ था वहाँ का वहाँ रह जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पे, और अगर नॉन कंडक्टिंग सरफेस है तो सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, कहाँ पे, वहीं रह जाएगा जहाँ पर चार्ज दिया था। अच्छा, अब देखते हैं इसके बाद आगे, सुनो, इसके बाद में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखो, आपको निकालनी है डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें दो काम करने हैं आपको, एक तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, और दूसरा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो चलो सबसे पहले डायरेक्शन पे काम करते हैं। तो आपने क्या किया, मान लो आपको इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप इस पॉइंट तक एक लेके आओ लाइन, और इसको नाम दे दो कुछ भी, एक्स लेंथ दे दो, आर लेंथ दे दो, आर लेंथ दे दो, ठीक है। अब आप क्या करो, इसकी सरफेस पे यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन लो यहाँ, और ये पोर्शन मान लो ds, और यहाँ छोटा सा पोर्शन लो और इसको भी नाम दे दो ds। ये ds का प्लस है, ये इस टेस्ट चार्ज q नॉट को इधर भगाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो ds है ये इसको इधर भगाएगा, इधर का E। अब सुनो, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, क्लियर, ठीक है। अब एक चीज़ सुनो, अगर ये ई है तो ये कितना भाई, ई कोस थीटा, और ऊपर ई साइन थीटा। ये अगर ई कोस थीटा है इसके कारण, तो ये ई कोस थीटा और नीचे ई साइन थीटा। ई साइन थीटा से ई साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और आपको जो रिजल्टेंट है वो किसमें मिलेगा, वो मिलेगा ई कोस थीटा की टर्म में। तो हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ई कोस थीटा की टर्म में, हमें इम्पोर्टेंट है रिजल्टेंट फील्ड किधर होगा, परपेंडिक्यूलर टू द सरफेस। तो आप लिखोगे डायरेक्शन होल्ड परपेंडिक्यूलर टू द सरफेस, एंड बस इतना ही लिखोगे, और एंड क्या, ई कोस थीटा की टर्म में नहीं बताएंगे, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। डायरेक्शन के बाद में क्या निकालना था, वैल्यू निकालनी थी, तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो। अब वैल्यू निकालने के लिए तो अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, भी ये सीट है,
ठीक है, इस शीट के अंदर ये चार्ज है, सॉरी ये चार्ज है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप जो ये पूरी शीट है ना उसको एक ऐसे अपने दिमाग के अंदर इमेजिनरी सरफेस बना के उसके अंदर बंद कर दो, ठीक है, आई बात समझ में? भी देखो, अगर आपको गाउस रूल लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये तो सरफेस है, ये तो कोई क्लोज्ड नहीं है, ठीक है, और आपको चाहिए कोई ऐसी क्लोज सरफेस जो अंदर से क्लोज हो बिल्कुल, तो भी इसके बार बार ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जिससे इसको क्लोज कर सको। अब देखो ये डायग्राम बुक के अंदर ऐसे दिखा रखा है, इस हिसाब से ऐसे दिखा रखा है, बुक वाले ने पूरी सरफेस को क्लोज नहीं किया, बुक वाले ने ये डायग्राम ऐसे दिखा रखा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे क्यों दिखा रखा है उसने, उसने नीचे लिख रखा है कि हम पूरी सरफेस को क्या कर देते हैं, एनक्लोज कर देते हैं, बट वो यहाँ डायग्राम ऐसे दिखा रहा है, क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ, देखो बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, क्या कन्फ्यूज़न होता है, भी ये पूरी सरफेस थी इसको अगर क्लोज कर दिया तो बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जब मैं ये बोलूँगा ना कि यहाँ से एरिया निकालते हैं, यहाँ से एरिया निकालते हैं और यहाँ से एरिया निकालते हैं, तो बच्चे बोलेंगे सर शीट तो यहीं ख़त्म हो गई, आप हवा में एरिया क्यों निकाल रहे हो, तो एक 3D डायग्राम सही बन नहीं पाता, ठीक है। बाकी रियलिटी में ये बिल्कुल सही है, आप ये देखो रियलिटी में, आप ये देखो कि ये कोई सिलेंडर है, अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे कर दूंगा, ऐसे ऐसे, तो आपको इस सिलेंडर का ये वाला मुखड़ा दिखाई देगा ना, ये गोल गोल, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं कोई शीट को डालूंगा, कागज़ की शीट को, तो मैं ये शीट कागज़ की डाल सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, और अब मैं इस कागज़ की शीट है, इसका ये एरिया है, ये एरिया ऐसे बाहर की तरफ निकाल सकता हूँ, आई मीन टू से ये एरिया मैं ऐसे बाहर की तरफ निकाल सकता हूँ, इसके अंदर अगर कोई शीट फंसी हुई है ऐसे, तो उसका एरिया मैं बाहर की तरफ निकाल सकता हूँ, बट अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो थोड़ा सा जचेगा नहीं, ये किसी को लगेगा नहीं, बट यही एरिया अगर मैं ऐसे दिखा दूंगा तो बच्चे समझ जाएंगे कि शीट का एरिया बाहर की तरफ निकल जाए, तो बस वही थोड़ा सा लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं। चलो आगे देखते हैं, और शीट कितनी छोटी हो सकती है, कितनी बड़ी, तो आप अगर एक चीज़ देखो, हमने इस पूरी शीट को एक में क्या कर लिया, एनक्लोज कर लिया, वो ये बड़ा है भी थोड़ा देखना है, मैंने समझा दिया है। अब सुनो, अब ये जो शीट है इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और शीट परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगी, इधर वाली शीट है वो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगी, और इधर वाली शीट है वो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगी, भाई ये शीट है, तो इस शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी तो लग सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी लग सकता है। चलो अब देखते हैं, अब सुनो, अब बात करते हैं, हमने क्या किया, हमने ये जो शीट थी इसके तीन, हाँ अब इस पे लगाओ एक बार गाउस रूल, फ्रॉम गाउस रूल, ठीक है, ये आता है आपको, अब आप फील करोगे कि ये आपको आता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तीन सरफेस बन जाएगी, एक ये वाली एस वन, एक ये वाली एस टू और एक ये वाली एस थ्री, गॉट इट, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ई डी एस वन कोस थीटा, और जब मैं सरफेस को ओपन कर लिया, अलग अलग पार्ट में कर दिया, तो ये क्लोज नहीं रही ना, ठीक है। दूसरा ई डी एस टू कोस थीटा, और तीसरा ई डी एस थ्री कोस थीटा, और इक्वल टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब आप एक चीज़ सुनो, ये डी एस वन है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर लग रहा है या इधर लग रहा है,
और सरफेस है वो ऊपर की तरफ है, दोनों तरफ ये एंगल कितना बनेगा? पक्का पक्का 90 बनेगा। अगर एंगल 90 बनेगा तो उस केस में डीएस वन के साथ कोस कितना हो जाएगा? 90। ये टर्म कितनी होगी? जीरो। इसकी बात करते हैं, ये सरफेस अगर इस तरफ है तो इसका इधर एच टू, तो ई तो 12 ई एच टू, और इनके बीच इधर ही ई इधर ही काट के एच टू निकालेंगे तो एंगल कितना? जीरो डिग्री, यानी कोस जीरो। और प्लस में इंटीग्रेशन इसका देखो तो इधर ई इधर ही एस थ्री और कोश जीरो है ना, और इक्वल टू क्यू अपॉन में सिल नॉट। ये कितना आ गया? ई बाहर आ गया डी एस टू सॉरी डी एस थ्री, ई बाहर आ गया, कोस जीरो वन हो गया, डी एस टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एस टू और ई एस थ्री और इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके ठीक है, अब सुनो सिग्मा क्या होता है? क्यू अपॉन में टोटल चार्ज अपॉन में टोटल सरफेस। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एस होता है, तो यहां से क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू में एस। ई एस टू प्लस ई एस थ्री इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आप एक चीज सुनो, मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर आप एक चीज़ देखो, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है? डायरेक्शन के अलावा कोई फ़र्क नहीं है। तो एस टू और एस थ्री दोनों सेम है तो ये क्या बन सकता है? ई एस प्लस में ई एस, सेम ही है दोनों, और सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टू ई एस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल, ई कितना आ गया? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो दैट इज द आंसर। यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि कोई भी जो आपकी कंडक्टिंग शीट होती है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है? वो आता है ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर। ठीक है, बाय।